अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मीरा ज़ीशान और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। और आज मेरे साथ जो खातून मौजूद हैं, शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट एंड द फेवरेट पर्सन। और सीरियसली, मतलब मुझे बहुत देर से इंतज़ार था कि मैं कब इनके पास आऊँ और मैं इनसे बात करूँ। एंड शी इज़ एन एडवोकेट इन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जो है वो इन्होंने LLM अपना कम्प्लीट किया। और इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और फ़िलहाल ये काफ़ी अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। तो आइए इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा सना, आई हैव बीन वॉचिंग योर प्रोफाइल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लाइक मैं आपको फॉलो करती रही हूँ एंड देर आर सो मेनी पीपल जो आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं। और आपकी जो भी यानी एक स्टोरी है वो बड़ी इंस्पायरिंग है हर लड़की के लिए स्पेशली मैं कहूँगी, बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट की एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो एक होता है ना कि आप एक कुछ कहना चाहते हैं कि यार यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, सो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? आई जस्ट अपनी बैकग्राउंड एक थोड़ी सी बता दूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था ऑन द मोटरवे व्हिच लेफ्ट मी अ क्वाड्रिप्लेजिक व्हीलचेयर यूज़र। उसका मतलब ये है कि मेरे ना मैं चल सकती हूँ ना मेरे हाथों का नॉर्मल फंक्शन है। सो ये व्हीलचेयर में मैं, इट इज़ नॉट बाय बर्थ। तो वो आप पे कह सकते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ मेरी ज़िंदगी के मुझे दो हिस्से लगते हैं, एक्सीडेंट से पहले का और एक्सीडेंट से बाद का। तो आई थिंक जब कोई भी किसी के साथ भी कोई हादसा होता है और वो भी इतना लाइफ चेंजिंग हादसा होता है, तो ऑब्वियसली आपकी एक सेकंड में जब लाइफ एक बदल जाती है, और एक स्पेशली जब एक किसी यंग इंसान की जिसने अपने कितने ख्वाब देखे होते हैं, कितने प्लान्स बनाए होते हैं, और वो जब एक सेकंड में वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो वो आपकी दुनिया ना वो कुछ टूट सी जाती है। तो मुझे मेरे एक्सीडेंट के बाद आई थिंक आफ्टर वो एक लाइफ और डेथ की जो जंग से मैं जब निकल गई, मैं बहुत सीरियस रही, क्रिटिकल रही, वेंटिलेटर पे रही, कुछ पता नहीं होता था अगला दिन देखने को मिलेगा कि भी नहीं। सो आई थिंक वंस टू कट अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब वो सब कुछ हो गया और मैं एक बार घर आ गई, तो मैंने रियलाइज़ किया कि अब यही है, यू नो, इसके बाद कोई रिकवरी नहीं है, ये बिस्तर है और मैं हूँ एंड दैट इज़ इट। तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, वो मुझे बहुत देर लगी एक्सेप्ट करने के लिए। बट जैसे हम कहते हैं, अल्लाह खुद ही हिम्मत दे देते हैं, पता नहीं वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, मगर वो आ जाती है। और उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी फैमिली का है, सपोर्ट करने का, मुझे पुश करने का कॉन्स्टेंटली कि नहीं सना कुछ नहीं होता, बेशक तुम एक व्हीलचेयर पे हो मगर तुम वही सना हो। तो स्टोरी का, ज़िंदगी की जर्नी का शुरुआत वहीं से हुई जब मैं बाहर गई, मैंने रिहैबिलिटेशन वहाँ से की, वहाँ पे मोटराइज्ड व्हीलचेयर चलाने का सीखा, और फिर मैंने LLB में इनरोल किया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, और फिर मैंने LLM किया। और फिर आई थिंक मेरी जो एडवोकेसी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, उसने मुझे ज़िंदगी में एक मकसद दे दिया कि अपनी ज़ात से हट कर दूसरों के लिए काम करने का एक जो मोटिवेशन होती है, तो दैट वॉज अ ग्रेट हेल्प। ज़िंदगी लगता था बस ख़त्म हो गई है, और इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सेप्ट कि मेरे साथ क्यों हुआ है। मुझे लगता था बहुत अनफेयर बात है, क्योंकि मैं तो नहीं गाड़ी चला रही थी ना, मेरी वजह से तो एक्सीडेंट नहीं हुआ था। टू एक्सेप्ट दैट, उसमें मुझे काफ़ी साल लगे। और लाइक आई सेड बिफोर, मेरी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम, मेरे फ्रेंड्स का बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो मुझे पुश करते रहते थे, बट उनकी बातें भी ना मैं सोचती थी कि इन्हें क्या पता। वो हो जाता है ना, आपको होता है कि मेरा दुख तो आप दूसरा समझ नहीं सकता, ये बातें करना आसान होती है, बट फिर कहीं ना कहीं अल्लाह मियाँ हिम्मत दे देते हैं आपको, वो कहीं ना कहीं से आ जाती है। और बस एक दिन ऐसा आया जब मैंने कहा बस बहुत हो गई, अब बहुत हो गई अपने पे सॉरी फील करना, रोना धोना, ठीक है, दैट वाज आल्सो वेरी वैलिड वो इमोशंस जो थे, बट अब लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। सो आई वाज वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बाहर चली गई और मैंने इंग्लैंड में रिहैबिलिटेशन की। वहाँ जाके मुझे पता लगा कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई, आप एक व्हीलचेयर पे रह के भी एक बड़ी कंप्लीट और इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकते हो। तो वहाँ से बस मेरी थोड़ी आंखें खुली, मैं वापस आई और बड़ा ज़्यादा जज्बा था। सबसे पहले चीज़ ये कि क्योंकि मेरी पढ़ाई कट ऑफ हो गई थी, तो मैंने LLB में एडमिशन कराया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के थ्रू, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उस वक्त कोई ऐसा व्हीलचेयर एक्सेसिबल यूनिवर्सिटी कॉलेज था नहीं, अभी भी हार्डली है, ऑब्वियसली फुली उस तरह तो नहीं है एक्सेसिबल, बट स्टिल अभी फिर भी ज़रा एक फ़र्क हो गया है। पीपल हैव रियलाइज्ड कि दे हैव टू केटर फॉर ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, पीपल विद वेरी डिफरेंट एबिलिटीज एंड इम्पेयरमेंट्स दैट कम टू द यूनिवर्सिटी।
सो बट उस टाइम पे नहीं था तो मैंने पढ़ाई तो करनी थी यू नो डेफिनेटली. सो फिर मैंने ऑनलाइन वो उनका इंटरनेशनल प्रोग्राम में मैंने इनरोल कराया, फिर मैंने LLB किया, फिर मैंने LLM किया. और आई थिंक वहाँ से ना मेरी ज़िंदगी का एक सेकेंड पार्ट एक मज़ीद शुरू हुआ. बिकॉज आई रियलाइज के यू नो मैंने तो अपनी हिम्मत बना के एक दुनिया को फेस करने की बना ली है, बट दिस दुनिया जो है ना दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मी. और मैं इट वॉज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी, इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सेप्ट के ये जो हमारी दुनिया है इट इज़ नॉट मेड फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज के यू नो वॉट इज़ दिस. और क्योंकि आई थिंक स्पेशली जो बाई बर्थ पैदाइशी उनकी कोई इम्पेयरमेंट नहीं होती तो उनको ज़्यादा भी फील होता है कि यू नो पहले आपकी लाइफ क्या है और अब कोई आपके लिए है ही नहीं कोई फैसिलिटी. सो लाइक आई सेड वहाँ से मेरा दूसरा पार्ट ऑफ द जर्नी शुरू हुआ कि चलो लेट्स पुट माई वॉइस टू अ गुड यूज़ एंड लेट्स नॉट जस्ट अपनी खाली हेल्प ना करूँ, दूसरों के लिए भी करूँ. क्योंकि यू नो आई एम नॉट द ओनली व्हील चेयर यूज़र. बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं ये प्लेटफॉर्म मिल सकता या वो नहीं अपनी आवाज़ उठा सकते कि यू नो उनके भी राइट्स मनवाए जाएँ. तो चलो हम मैं शुरू करती हूँ. तो फिर वो इसी तरह हम एक जगह पे बैठे हुए थे, वहाँ मैं लिफ्ट होके जा रही थी क्योंकि वहाँ रैंप नहीं थी, स्टेप्स थे, तो मैं गिरने लगी थी. और वो मुझे ना एक सेकंड में वो पूरी रील चल रही थी कि ओ माय गॉड कि अगर ये वेटर से हाथ उसका स्लिप हुआ मैं नीचे गिरूँगी तो फिर पहले क्या होगा, मेरा सर फटेगा कि कहाँ पर मैं मुँह के बल गिरूँ. सो वो इट वॉज सो ट्रामेटाइजिंग कि वो एक पूरे फ्लैश बैक वापस आने शुरू हो गए फ्राम द फॉर यू नो द होल ट्रामा दैट आई हैड ऑलरेडी बिन थ्रू. तो वहाँ वॉज लकी मैं अपने फ्रेंड के साथ ही थी, ही हैपन्स टू बी अ लॉयर एडवोकेट अली चुगताई. तो बस फिर हमने कहा कि यू नो चलो शुरू करें कुछ करते हैं. वाई इज़ इट लाइक दैट कि हमारी कंट्री में क्यों नहीं है सहूलियतें. तो बस वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ, हमने लेटर्स लिखने शुरू किए डिफरेंट बिल्डिंग अथॉरिटीज़ को जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स थे. मैंने सोशल मीडियाज़ पे पोस्ट लगानी शुरू की कि प्राइवेटली लोगों को अप्रोच किया कि प्लीज़ आप एक रैंप बना दें, यू नो इट्स नथिंग, इट्स नो बिग डील, आप बना देंगे तो यू नो आई बी वेरी ग्रेटफुल. तो बहुत लोगों ने दे वर वेरी नाइस, उन्होंने बनाई. बहुत लोगों ने बग़ैर वजह के अपोजिशन भी की. मुझे कहा गया कि डिफरेंट फोरम्स पे लोगों के कमेंट्स होते थे कि अगर चल नहीं सकती तो तुमने आना ही क्यों है रेस्टोरेंट में, तुम गाड़ी में क्यों नहीं बैठ के खाना खाती. फिर वो कहते थे कि वैसे कह रही है कि यू नो मैं वेटर्स को इनकन्वीनियंस करना नहीं चाहती मगर वैसे तो बड़ा हंस रही है जब लिफ्ट हो रही है. तो व्हाट इज लाइक यू आर फेसिंग समथिंग एंड ऑन द अदर हैंड पीपल आर लाइक सपोर्ट करने की बजाय जी जी दे आर बॉदरिंग यू. बिल्कुल. बट बहुत एक ये भी अच्छी बात है कि वो जो नेगेटिव लोगों की जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, अच्छे लोग जो आपको इतनी प्यार और मोहब्बत और इनकरेजमेंट दे रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं. तो वो आपको हिम्मत दिला एंड यू मस्ट फोकस ऑन दैट. बिल्कुल. मैंने तो वेरी अर्ली ऑन इन माई इंजरी आई रियलाइज के आई हैव टू इग्नोर द नॉइज़ वरना ना फिर अपनी कुछ भी ज़िंदगी में कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो आपको जीने नहीं देंगे, वो आपका दिल दुखाते रहेंगे अपनी बातों से क्योंकि उनमें एम्पथी नहीं है, उनमें काइंडनेस नहीं है. सना हाउ डिड यू कंसिडर दोज पीपल हु ब्रिंग यू हु ब्रॉट यू टू द चैलेंजेस, आई मीन व्हाट वर द चैलेंजेस फ्रॉम द पीपल, लोगों की तरफ से क्या था? सबसे पहला उनका एटीट्यूड, जैसे अगर कहीं चले जाओ तो दे वुड स्टार्ट स्टेयरिंग, मुझसे डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, मेरी अम्मी या मेरी बहनें साथ होंगी तो मेरे मुँह पर आके पूछेंगे क्या हुआ है, चल नहीं सकती, फिर मुझसे पूछेंगे थोड़ा सा चल लें, हिम्मत कर लें, हाय अल्लाह माफ़ करेगी आपको क्या हो गया, यू नो ऐसी ऐसी बातें. अब मैं तो वो भुला देना चाहती हूँ. एंड यू नो हमारे यहाँ लोग बहुत अनकाइंड होते हैं, दे वेरी इनसेंसिटिव. वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि आज अगर मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ किसी के साथ भी हो सकता है. एग्जैक्टली. तो एम्पथी जो है ना एक हमारे लोगों में बड़ी लैकिंग है. और आई थिंक वहाँ पे स्टेट तो नहीं आके आपको डंडे से आपको थोड़ा काइंड बना सकती कि आपको इंडिविजुअली खुद बनना पड़ता है. तो हम तो कह ही सकते हैं, बाकी उन इट इज़ अप टू देम कि वो एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं कि नहीं. अच्छा, बीइंग अ लॉयर बड़ी अच्छी फील्ड है ये. पहले तो मैं ये कहूँगी कि एवरी वुमेन शुड नो द लॉज, ठीक है, पता होना चाहिए आपको. और उसके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यू आर वर्किंग फॉर पीपल, तो आप एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एक लॉयर हैं. हाउ डू यू कंसीडर दैट, डू पीपल अप्रिशिएट यू इन दैट केस? ओ डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक मैं तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि लॉ जो है ना एक बेसिक सब्जेक्ट हर यू नो यंग पर्सन को एक पढ़ना ज़रूर चाहिए.
बिकॉज ये आपका बड़ा माइंड आपकी परसेप्शन चेंज कर देता है. यू नो वे यू स्टैंड, यू नो वॉट योर राइट्स आर, यू नो वॉट द सोसाइटी एंड द स्टेट ओज यू. और वो बहुत एक बड़ी बात होती है. आई थिंक मेरी लॉ डिग्री ने मुझे बहुत हेल्प की. एंड आई थिंक मुझे तो नॉट इवन लॉ, अगर मैं कोई और भी कर लेती, फॉर मी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक उसने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया. मे बी माई नॉट बी फॉर एवरीबडी फॉर, बट फॉर मी पर्सनली, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करती हूँ, मुझे मेरी एजुकेशन ने इट हैज़ गिवन मी द टूल्स कि जब अपॉर्चुनिटीज़ कोई आती हैं तो मैं उन्हें ग्रैब कर सकूँ, मुझे पता हो. तो ये एडवोकेसी और लॉ तो इट गोज़ हैंड इन हैंड. बिकॉज जब मैंने शुरू की तो यही हमने पता किया कि यू नो हमारे बिल्डिंग कोड्स में लॉज मौजूद थे फॉर एक्सेसिबिलिटी, बट वी लाइक एवरी लॉ दे वर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड. सो मेरी लॉ डिग्री ने तो मेरी बहुत हेल्प की. और जहाँ भी मैं गई हूँ, मैं आई बीन मेट विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम एवरीबडी. सो वो दैट हैज़ मेड अ डिफरेंस. परफेक्ट, ज़बरदस्त. अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको जिस पर बहुत ज़्यादा प्राउड हो अभी तक कि यार दिस वॉज द बेस्ट थिंग दैट आई हैव डन. आई थिंक फॉर मी जब हमने पंजाब के लिए लॉ बना दिया फॉर पीपल विद डिसबिलिटीज, क्योंकि इससे पहले पंजाब में कोई लॉ नहीं था. उससे पहले कोई एड हॉक तरीके से कोई पर्सनल कैपेसिटी में कोई हेल्प कर दे, यू नो रैम्प बना दे या कोई फैसिलिटी रख दे फॉर डिफरेंट एबल पीपल, तो वो था. बट आई थिंक फॉर मी माई बिगेस्ट अचीवमेंट इज एंड इट इज़ बिन अ टीम वर्क, अकेली मेरी तो नहीं है, फॉर एवरीबडी हु वाज इन्वॉल्वड टू गेट द लॉ पास्ड इन पंजाब. सो यस, आई एम प्राउड ऑफ दैट. ग्रेट. सो व्हाट इज़ द लॉ अबाउट एग्जैक्टली, लाइक इसका फ़ायदा क्या हो सकता है सबसे बड़ा? ये हमारी पिटिशन की वजह से, इट वॉज अ कोर्ट डायरेक्टेड पूरा एफर्ट के दे, जस्टिस जवाद हसन के कोर्ट में मेरी पिटिशन थी. सो दे डायरेक्टेड द रेलिवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू सिट डाउन विद अस एंड फॉर्मुलेट अ लॉ. सो वो पूरा एक यू नो हमारी काफ़ी मेहनत एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का बैठ बैठ के, काफ़ी बड़ी लीगल टीम थी पूरी बैठ के, एंड विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में बैठ के एक लॉ बनाया. एंड यू नो इट्स वन ऑफ अ काइंड. इसमें एक एक राइट स्पेसिफाइड है. इसमें हमने बहुत चीज़ें ऐसे डाली हैं, यू नो द डेफिनेशन ऑफ अ डिसेबिलिटी को इसमें हमने थोड़ा ब्रॉड रखा है ताकि आइंदा फ्यूचर में कोई और भी जब आएंगी तो देट बी इंक्लूडेड इन दिस. ऑब्वियसली इट इज़ नॉट परफेक्ट, बट नॉट एवरी लॉ इज, डेफिनेटली अमेंडमेंट्स आर, बिल्कुल वो आ जाती हैं. बट वी ट्राई टू कीप इट कि हम फ्यूचर को भी फोरसी करके रखें. वी ट्राई टू यू नो वन ऑफ द मोस्ट गुड पार्ट्स जो मुझे पर्सनली लगते हैं कि एक प्रीनेटल लेवल से ना एक स्क्रीनिंग हो जाएगी. जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ तब से पता लग जाएगा कि यू नो दिस चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी बॉर्न विद सम काइंड ऑफ एन इम्पेयरमेंट, तो उसके लिए पहले से प्लान कर सकेंगे पेरेंट्स. हमने इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन एक बहुत वॉज अ टॉपिक वेरी क्लोज टू माई हार्ट. और परवेज हसन, आई मस्ट नो हिम, इज़ अ वेरी वेल नोन नेम डॉक्टर परवेज हसन. उनके एक चाइल्ड केयर कमीशन में आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट. उसमें उन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन पर बहुत काम किया है. सो हमने उसके पॉइंट्स इंक्लूड कराए हैं ताकि यू नो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में ना यू नो अ पर्सन, अ बच्चा, अ चाइल्ड विद अ काइंड ऑफ एन इम्पेयरमेंट, अ चाइल्ड विद अ डिफरेंट एबिलिटी कैन स्टडी विद रेगुलर किड्स. सो सना, यू टॉक्ड अबाउट एम्पावरमेंट, बट वुड यू से फॉर द पीपल हु आर गोइंग थ्रू दिस एंड बाय बर्थ या किसी हादसे के बाद, बट वुड यू से फॉर दैम एनीथिंग? आई वुड से कि ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ईजी टू कम आउट ऑफ अ ट्रामा. अपने हालात एक्सेप्ट करना, इट इज़ नॉट ईजी. नो बडी इज़, अगर मैंने बड़े जल्दी से अपनी जर्नी बता दी, इट्स नॉट बिकॉज आई एम ट्रिविलाइजिंग इट, इट्स बिकॉज के मैं बड़ी देर लगी मुझे यहाँ तक पहुँचने में, और उसमें पूरा एक अलग शो हो जाएगा. सो यू नो वॉट माई एडवाइस वुड बी कि बी काइंड अपने आप से. हम अपने ऊपर बड़े ज़्यादा ना सख्ती करते हैं, अपने आप को कोच करते हैं, वहाँ पर खुद ही डिसअपॉइंट होते हैं, कुछ नहीं होता. बड़ा वैलिड होता है सैडनेस, ग्रीफ, डिप्रेशन, बट उसको अपने ऊपर, डोंट लेट इट कंज्यूम यू, उसको हावी ना होने दें. यू नो छोटे गोल्स स्टार्ट करें, टेक ईच डे एज इट कम्स, और छोटे छोटे अपने आप को गोल्स दें, एंड देन अगर वो आप अचीव करते हैं तो पैट योर सेल्फ इन द बैक, यू नो यू डिजर्व सम हैप्पीनेस. और ये याद रखें कि जस्ट बिकॉज अगर आप किसी से फ़र्क हैं, कि अगर आपका यू नो कोई भी किसी उनकी फिजिकल या मेंटल इम्पेयरमेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कमतर हैं. यू नो आप इक्वल हैं, वी आर ऑल इक्वल. टाइम लगा मगर मैं निकल आई उससे, कि मैंने कहा नहीं चलो जैसी भी लाइफ गुजार सकती हूँ मैं गुजारूंगी, और मैं इसमें खुद यू नो आई बी इन कंट्रोल ऑफ दिस लाइफ. तो ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी, लाइक आई सेड बिफोर, लाइक आई सेड 100 टाइम्स,
It's not easy, but it can be done. It's not impossible. Okay, Susana, thank you very much. As you have heard, this is a very, very inspiring story. And she's not only सिर्फ compete नहीं कर रही हैं, इन्होंने लोगों के लिए भी chances create किए हैं, ऐसी opportunities create किए हैं ताकि वो इन problems के साथ जो है वो इनको deal कर सकें और इनसे बाहर आ सकें. And you should support her, you should follow her, stop bullying the people. ये बहुत hurt करता है, ना सिर्फ किसी भी problem में, like ना ये नहीं है कि physical. किसी भी प्रॉब्लम से अगर कोई गुजर रहा है तो आप लोगों के अल्फाज बहुत मैटर करते हैं. सो ट्राई टू बी काइंड एंड कीप सपोर्टिंग, कीप फॉलोइंग एंड मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.